स्पीड। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आवाज़ आ रही होगी आपको बर्ड्स की। सुबह के बज रहे हैं 8:30। कैंप से बाहर का व्यू मैं भी आपको दिखाता हूँ। चिकन निकाला था ना मैंने, वो ये रहा, रात को पेट बहुत भर गया था इसलिए हमने खाया नहीं, हमने ऐसे ही रख दिया। हमने सोचा सुबह खाएंगे, तो अभी इसे गर्म करके खाने वाले हैं। वेलकम बैक माई YouTube फैमिली, आ गया है दूसरा एपिसोड। जो लास्ट एपिसोड था आपने बहुत अच्छा प्यार दिखाया उसमें, थैंक यू गाइज, आपने बहुत सपोर्ट किया। ये एपिसोड उसी का सेकेंड पार्ट है। इसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि खाई में जंगल में से बाइक कैसे मैं निकाल रहा हूँ, कितने एफर्ट्स लगते हैं, प्लस इस पूरी लोकेशन का मैं आपको एक आउटलुक देने वाला हूँ। वीडियो अगेन मैं यही कहूँगा बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी दबा देना, लाइक कर दो और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि वीडियो किसी और के भी काम आने वाली है, जैसे कि आप लोगों के भी काम आती है। सो चलो बिना देर करे, बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाता हूँ यहाँ का आउटलुक। लेट्स गो। सुबह सुबह सूप बनना है, मांचा सूप बन ही गया ऑलमोस्ट। हाँ ये देखो दोस्तों, थोड़ा सा मॉक करता हूँ। मॉर्निंग का व्यू ऐसा है यहाँ पर। पहले मैं आपको फॉरेस्ट का दिखा देता हूँ। ये सामने भी एक प्रॉपर्टी है, भैया बना रहे हैं। और ये देखो, ये सुबह सुबह मैम आ गई। गुड मॉर्निंग। बढ़िया, रात को बहुत बढ़िया लगा, गर्मी लगी, ठंड तो लगी नहीं बिल्कुल भी। सो ये ऑनर हैं यहाँ के, और वो चंद्र भैया हैं वो भी हैं, वो रात को वही आए थे। ये मैंने एक्स्ट्रा इसलिए डाला था ऐसी सेफ्टी के लिए, लेकिन बारिश छोटी मोटी हुई कोई दिक्कत नहीं हुई। देखो लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, फिर भी उन्हें लगा रखा है। और इसका बहुत फ़ायदा हुआ, इसे लगाने से ये हुआ, अगर जो बारिश होती है तो कीचड़ डायरेक्ट कैंप पे नहीं लगती, इसके नीचे लगती है। और मेरा कैंप बिल्कुल साफ़ सुथरा है, मैं इसे घर ले जा सकता हूँ, ऐसे ही पैक कर सकता हूँ। कैंप करने के बाद आपको मुँह हाथ धोने के लिए एक वॉश बेसन मिल जाता है, वॉश मिल जाता तो यार आपको क्या ही ज़रूरत है किसी और चीज़ की। सिर्फ 200 रुपये के अंदर आपको इतना सब कुछ मिल रहा है, कोई नहीं देगा पूरे हिंदुस्तान में ऐसा। टेबल भी कितनी प्यारी है, ये कैंपिंग के लिए टेबल बनाई थी भैया ने, बता रहे हैं। और बैठने के लिए भी है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से लुक दिखाता हूँ कैंप से निकल के, तो आपको समझ में आएगा कि कितनी अच्छी लोकेशन है जिस पे मैं इस वक्त कैंप कर रहा हूँ। लोकेशन आपको दिखाने वाला हूँ मैं, शायद आपको पानी की आवाज़ आ रही होगी। ये देखो पानी की आवाज़ आ रही होगी आपको, या नीचे पानी है मतलब रिवर है, और ऐसा नहीं है कि हाँ जी। इसलिए देखो सारी ये कैंप लोकेशन है, यहाँ पर भी लगा सकते हो आप कैंप, भैया लगवाते हैं, और उधर भी लगा सकते हो। भैया ने बोला था एक्चुअली यहाँ पर थोड़ी घास अभी बड़ी हो गई है, थोड़े दिन पहले छोटी थी तो कैंपिंग कराते थे यहाँ पर, बट अगर मुझे अगर वो मुझसे पूछ रहे थे, मतलब मैम पूछ रही थी मेरे से जो भी आई थी, कि अगर आपको लगाना है तो मैं करवा दूँगी यहाँ पर भी कैंपिंग। डीप फॉरेस्ट है ये बिल्कुल, इधर भी कैंप लगा सकते हो आप, लेफ्ट हैंड पे भी लगा सकते हो, राइट हैंड पे भी लगा सकते हो, इसमें भी लगा सकते हो, इस पेड़ के नीचे भी लगा सकते हो आप कैंप। तो कैंपिंग की तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं परफेक्ट स्टे की। इन्होंने बनाया है यहाँ पे होम स्टे, जो कि आपको दिख रहा है काफ़ी सुंदर दिख रहा है दिखने में। तो ये अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, बट इन्होंने जो डबल रूम यहाँ पे दिया है, इसकी बेस्ट पार्ट पता है क्या है, इसमें आपको चारों ओर से जंगल दिखता है, जैसे कि एक इस विंडो से और एक इस विंडो से, और इधर से तो ये खुला हुआ है। बाकी इसके जो फर्स्ट फ्लोर इन्होंने तैयार किया है वो ऑलमोस्ट डन है, उसमें 3 डबल रूम वाले बेडरूम इन्होंने बनाए हैं। ये फर्स्ट फ्लोर है, इसका इतना बड़ा बरामदा है बाहर, यहाँ पे बैठ के आराम से अपना टाइम पास कर सकते हो, और सारे टॉयलेट आपको वेस्टर्न घाट मिलेंगे यहाँ पर। अच्छा भैया ने मुझे ये भी बोला था कि यहाँ पर कैंप लगा लो अगर आपको कुछ दिक्कत है, तो हम यहाँ पर भी कैंप लगा सकते थे, लेकिन हमने बोला नहीं यार हमें तो फॉरेस्ट के अंदर ही लगाना है, तो हमने नीचे ही लगाया।
बाकी यहाँ पर भी कैंप लग सकते, बहुत अच्छा लगता है अगर कैंप लगाते तो। होता है कैफे के अंदर भी कैंप इसी तरीके से होते हैं। और ये एक छोटा सा लॉफ्ट आ गया ऊपर, यहाँ देखो इवन यहाँ पर भी कैंप लगा सकते हैं, बहुत प्यारा व्यू आएगा यहाँ से भी। और इधर भी एक रूम है, ये फैमिली रूम है यार, इसे होम स्टे बोलोगे क्या? तो इसकी जो थीम थी वो देखने में लग रहा था कि जी हैरी पॉटर के हॉगवर्ट्स वाली थोड़ी सी टच दे रहा था ये, मतलब फील आ रही थी इसमें। ये फैमिली रूम है, ये ऑक्यूपेंसी इसमें अप टू 6 है, बट मैं चाहूँ तो इसमें 7 और 8 भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा मैट्रेस भी मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं होने वाला है इसका, बहुत नॉमिनल होने वाला है। इसमें बेस्ट पार्ट पता है क्या है, यहाँ से अगर आप बाहर निकलोगे पूरा जंगल दिखेगा और खुशबू आएगी पेड़ पत्तों की। इतना मज़ा आया मुझे यहाँ आकर, मतलब मेरा तो मन कर रहा था मैं दोबारा अपनी फैमिली को लेकर आऊँ और इसी जगह पर स्टे करूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे। नाश्ते में अभी आ गई चाय, आंटी ऊपर होकर आया, मुझे तो लग ही नहीं रहा ये होम स्टे है, इतना प्यारा बना हुआ है। अभी स्टार्ट होने, कब तक स्टार्ट होगा ये? लगेगा 1 महीना लगेगा इसको स्टार्ट। सो दोस्तों अपने कैंप के आगे चाय पी लो। देखो मेरा पर्पस कैंपिंग करने का दोस्तों ये होता है, मैं कैंप बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी में नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि अगर मैं आपको परेशानी दिखाऊंगा तो आप कैंपिंग क्यों करने आओगे। मेरा मोटिव ये होता है कि आपको कैंपिंग ऐसे करके दिखाऊं कि आप इजीली खुद भी कर सकते हो। मैं चाहूं तो वहाँ डीप फॉरेस्ट में लगा सकता हूं बिना परमिशन के, अगर आप चाहो तो मैं लगा के आपको दिखा सकता हूं। मैं दिखा सकता हूं बाहर से कोई शेर आ गया फला फला, मैं झूठी बातें भी बता सकता हूं, कुछ बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूं जो कि अनरियल होती हैं। बट मेरा मोटिव अलग है, मेरा मोटिव यह है कि मैं आपको अवेयर करूं कि आप भी अपने सैटरडे संडे में इंजॉय कर सकते हो। डजेंट मैटर आपके पास कार है या नहीं है, आप बाइक से निकलो, आओ सैटरडे संडे अपनी फैमिली या अपनी वाइफ के साथ या अपने किसी पार्टनर के साथ यहाँ पे टाइम स्पेंड करो और खुशी खुशी जाओ। क्योंकि यार देखो 9 to 5 की जॉब कर करके आपका भी दिमाग पक जाता होगा, इसलिए ये सब ज़रूरी है। टैप वाटर मिल रहा है फिर भी, इनके हाथ में सोने का कटोरा दे दो ना तो भी उससे भीग ही मांगेंगे। इन्होंने क्या करा, टैप वाटर से डब्बा भर के लाया और यहाँ लाके हाथ धो रहे हैं। देसी फुल कैंपिंग वाला माहौल। और हम लोग बात कर रहे थे, बात करते करते देखो पीछे हमारे यहाँ बादल आ गए, पूरा ढक गया, पूरा ढक गया सामने, पेड़ भी नहीं दिख रहे। देखो पेड़ गायब हो गए, सामने सामने गायब हो गए, सामने ऊपर जा रहे हैं, कश्मीरी कैफे टाइप का है, देखते हैं। फिर आते हैं हम इनके घर पे, देखने से बिल्कुल कश्मीर वाला फील आया मुझे यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेशियस था और बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन था। प्लस यहाँ पे खाना जो बन रहा था उसको देख के लग रहा था कि यार ये घर जैसा साफ है। आंटी ये गरम करने के लिए है ये? एक एक चीज है ना अपनी जगह पर रखी हुई है, स्कूल गए होंगे वो भी। ब्रेकफास्ट के साथ साथ मैंने अपना लंच भी कवर अप कर लिया था। यहाँ पे मक्के की रोटी, सरसों का साग और ब्रेड ऑमलेट, चाय, ये सब हम लोगों ने यहाँ पर अपना खाया पिया, बहुत अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन था, सिस्टम बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा वार्म था। प्लस बरामदे में मुझे 2 लोग मिले, पिंकू जी ने बताया वो लोग रात को बोल रहे थे कि मेरे से मिलना है, उन्हें क्यों मिलना था क्योंकि बाहर से उन्होंने मेरी बाइक रिकॉग्नाइज कर ली थी। एक्चुअली वो लोग भी इन्हीं के पास स्टे किया था उन्होंने भी, तो सुबह में मेरी उनसे मुलाकात हुई। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्या नाम भाई आपका? इरफान। इरफान और आपका? जावेद। ये जावेद भाई, ये दोनों हमारे व्लॉग देखते हैं, दिल्ली से हैं और इन्होंने बैग वाला व्लॉग भी देखा था, इन्होंने बताया। व्लॉग ठीक लगते हैं आपको? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आपको कैसे पता लगा ये बाइक मेरी है? उस पे आपका व्लॉग देखते देखते मतलब रिकॉग्नाइज कर लिया सही से, पहचान में आ गई। चलो बढ़िया है भाई, दोबारा मिलना है एक और लोकेशन पे दोबारा से। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। बाकी भाई भाई लोग ऊपर गए थे, बता रहे हैं कि ऊपर काफ़ी अच्छी लोकेशन है, मेरा मन है और देखते हैं ऊपर जाने का भी जुगाड़, क्योंकि अभी प्रिया मैडम की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। इसके बाद हम चल पड़े रिवर की ओर, क्योंकि जब हम डीप फॉरेस्ट के अंदर है तो ऐसा तो हो नहीं सकता हम रिवर को कवर ना करें। यहाँ पे बादल मेरे साथ साथ चल रहा था और ये रास्ता बिल्कुल टार्जन मूवी की तरह था जो हमने डिज्नी चैनल पर बचपन में देखी है।
यहाँ पर मैंने बहुत फोटोग्राफी करी, बहुत ज़्यादा मैंने वीडियो बनाया और स्लो मोशन भी बहुत बनाया। कुछ सैंपल अभी आपको थोड़ी देर में देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे एंड नीट एंड क्लीन। वायर की ज़रूरत ही नहीं है, सारी लकड़ियाँ ही मिल जाती हैं। कार्टर जलाओ, ये भी सिक्योरिटी गार्ड है, तुम्हारे साथ साथ चल रहा है। और ये गोन बोरोन जंजे की शक्ल का ये पहाड़ दोस्तों, बादल आ गया नीचे, ये देखो ये बादल आ गए, सारे बादल नीचे आ गए। देखो बादल दिख रहा होगा आपको, ये सारा क्लाउड है, क्लाउड कवर्ड माउंटेन है। अरे वाह यार क्या लोकेशन है ये इनका है, The House of Cafe Junction, जो भी है नेचर कैफे। जो हम कल देख रहे थे ना नेचर कैफे, जब हम पहले पहले थे उसमें गए थे ऊपर वाले में, हाँ वो नीचे यही देख रहे थे। ये है रे बस, हाँ अच्छा ये बन रहा है, इस पर जा नहीं सकते होंगे, हाँ उधर चल बंद कर लो। ये पुल बन रहा है दोस्तों, ये पानी बहुत अच्छा है, यहाँ पर आप पैर भी डाल सकते हो और फिशिंग आगे भी करते हैं, यहाँ पर भी कुछ लोग करते हैं, बहुत मज़ेदार है। दोस्तों ये देखो बादल, बादल था मैं, बादल ऊपर चढ़ रहा है दोस्तों, ये देखो कुछ ज्यादा बादल नहीं आ रहा ऊपर, बादल ऊपर आ रहा है दोस्तों, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है। वंदे मातरम, बैग पूरी तरीके से माउंट हो गया बाइक में, ये अब हिलने वाला नहीं है। हाँ पीछे ये जो आप लकड़ी देख रहे हो, ये एक्चुअली क्या है, मैंने बाज़ार से एक लकड़ी ली और उसमें दो होल करवाए और ये अपने स्क्रू से अपने कैरियर पे ही टाइट करवा दिया मैंने। तो इससे क्या ना मुझे विड्थ मिल गई सामान रखने की, जो मैं पीछे बैग बांध के लाया हूँ वो इसी पे बांध के लाया हूँ। और बाकी ये दो लाइटें बहुत काम की हैं यार, ये दो स्टॉप लाइट्स, ये मैंने एक बार चार्ज करी और मतलब मज़े से रात को ड्राइव करी। चलो और बैग ला के माउंट करते हैं और इसी भरी बारिश में बादलों के बीच में से पतले से सनकरे से रास्ते से बाइक निकालेंगे और एडवेंचर करेंगे। फिर मिलते हैं आपसे रोड पर। तो असली एडवेंचर तो अब होने वाला है। मोटा रिवर क्रॉसिंग, वाटर क्रॉसिंग, बहुत लंबी है, खड़ी चढ़ाई है और इधर पूरी खाई है और यहाँ हम बैठे अपनी हंटर 350 लेके। अब देखो इसका थ्रिल सारा। खाई इधर राइट हैंड पर, रास्ता बहुत पतला है और कीचड़ बहुत ज़्यादा है तो वो टायर स्किड हो रहा है पीछे से। ये देखो ये आवाज़ आई, पत्थर आया था पैर के नीचे।
ये थोड़ा चैलेंज है दोस्तों। ये देखो यहाँ पे इतना पतला रास्ता है और इधर से मुझे बाइक निकालनी है। चलो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसके बाद मैंने अपनी बाइक का हैंडल मोड़ा मनाली की ओर, क्योंकि हमें जाना था अजय भाई के होटल में, क्योंकि उनका होटल मुझे बहुत पसंद है और जैसे कि मैंने उनसे बात करी थी कि लौटते वक्त मुझे एक नाइट स्टे आपके यहाँ चाहिए ही चाहिए। सो हम बढ़ चुके हैं अपनी उस डेस्टिनेशन की ओर। किसी की आ गया हिमालयन भी है। सो यहाँ पे बाइक खड़ी है, अजय भाई का होटल है जिनमें सजेस्ट करी थी कल वाली जगह, ये हिल साइड व्यू। सो अपना जो रूम है वो ये वाला है, सेकेंड वाला बैलकनी है। चलो रूम टूर कर दिखाते हैं, चलें। ये हमारे बैग्स जो आ गए हैं, सैंडल ये और चाबी से खोलो भी। बाथरूम इस तरीके से और बेड, और सबसे अच्छी बात पता है क्या, इसमें यहाँ इतना बड़ा स्पेस है। रुको मैं थोड़ा जूम आउट करती हूँ। इतना बड़ा स्पेस है कि अगर हमें दोबारा कैम्प निकालना हो यहाँ आराम से दो कैम्प इंस्टॉल हो जाएंगे, इतना बड़ा रूम है ये। बालकनी दिखाता हूँ, ये बालकनी है फ्रंट में। सामने देखो आइसबर्ग दिखेगा दोस्तों, आइस वाले पहाड़। और ये रही अपनी बाइक नीचे खड़ी दिख रही है, ये रही। ये देखो दोस्तों आइसबर्ग, ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। दोस्तों अजय भाई के होटल में आना, स्टे करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा ड्रीम था, क्योंकि इनके होटल के पीछे एक वाटरफॉल भी बहता है जो कि मैंने अपनी आंखों से देखा, हमने रिकॉर्ड भी किया कुछ पार्ट में। और बाकी यहाँ पर आने का मतलब ये था, अब मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगा, अब मैं ज़िंदगी जीऊंगा, मैं प्रॉपर यहाँ पे अपनी मनाली वाली लाइफ अपनी इंजॉय करूंगा। बहुत नीट एंड क्लीन एंड बजट होटल है ये, मतलब आपको लगेगा नहीं कि आप ये बजट होटल में हो, क्योंकि ये 4 स्टार है, बजट में 4 स्टार। इसके बाद हम रात में गए थोड़ा घूमने के लिए मॉल रोड, जहाँ पर मैंने उस रेस्टोरेंट में एंट्री करी जिस रेस्टोरेंट में हम लास्ट टाइम गए थे। दोस्तों ये वही वाला रेस्टोरेंट है जहाँ मैं पिछली बार मनाली आया था, जब मैं गाड़ी से आया था। और यहाँ पे हम इसलिए आए क्योंकि यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है। अभी आया थोड़ा सा प्राइस थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब उससे 50-60 रुपया ज़्यादा ही हुआ है, और ज़्यादा नहीं हुआ, इतना ही। बाकी इतने प्राइस में बहुत अच्छा क्वालिटी फूड मिलता है यहाँ पर। इस आउटलेट का नाम है जमजम, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। इसकी डेडिकेटेड मैंने जितनी भी है ना सारी चीज़ वो मैंने अपने एक ब्लॉग में डाली हुई है, मैं आई बटन में डाल देता हूँ। यहाँ देखो आप आई बटन में, ये वाला वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे तरीके समझ में आ जाएगा। देखो ये रहा जमजम, ये बात करूँ तो बहुत लोग नोटिस कर रहे हैं हंटर को, कि दिल्ली से हंटर आई है, वो भी ऐसा फ्लैग लगा कर। यहाँ पे लोग बाइक रेंट करते हैं और हम वहीं से लेकर आ गए। सब लोग पकड़ पकड़ के पूछ रहे हैं कि आप लोग आगे क्या जिसका या स्पीति जा रहे हो क्या, बट इनसे क्या बोलूँ कि मैंने उनसे अच्छी एक ऑफ बीट लोकेशन मैंने कल कवर कर ली है। जिसपा मनाली का मतलब आगे का टूर आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, बट एक बार ये सब खुल जाए अच्छे से फिर जाऊँगा देखकर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये देखो बादल नीचे आ गया बिल्कुल मेरे होटल के सामने ही है, ये यहाँ आके बरस रहा है। इसको ऊपर तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन लोगों पर जो बरस रहा है ना हम देख रहे हैं इसको यहाँ से कि बादल कैसे बरसता है। सारा नीचे आ गया, अभी मैं अपने होटल की विंडो से मतलब ऐसे बालकनी वाले गेट से ये बना रहा हूँ, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही, बहुत ठंड है, 2 डिग्री हो रहा है अभी। और सामने वहाँ पर आइसबर्ग भी है, दिख रहा होगा आपको, इतना वाइट है कि पता नहीं चलता आइसबर्ग है ये, आसमान के साथ मिल जाता है इसका रंग। कोई नहीं, सामने भी आइसबर्ग है। सो आज तो हमारी वापसी है, आज बारिश में भीगते हुए जाना पड़ेगा घर। चलो मिलते हैं आपसे रोड पर। सो दोस्तों एक राइडर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, उसकी चेन साउंड नहीं आनी चाहिए, मतलब बाइक व्हाइल यू आर राइडिंग द बाइक देयर इज नो साउंड ऑफ योर चेन। सो आपको क्या करना है, चेन क्लीन करनी है हर 200 किलोमीटर पे, अगर बहुत ज़्यादा डस्टी है तो कोई भी चेन क्लीनर यूज़ कर सकते हो या कोई ब्रश या कोई कपड़ा यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद आपको बाइक को बंद करना है और अपना उठाना है एक चेन लियो,
कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मोटोल का। इस तरीके से कुछ मारना है कि आपके स्पोक्स में ना जमे, आपको चेन के मिड सेक्शन में और साइड प्रोफाइल पर डालना है, क्योंकि ये चेन को पकड़ के रखेगा। इससे क्या होगा, आपकी चेन की लाइफ बढ़ेगी, प्लस राइड पे आपकी चेन उतरने के चांसेस बहुत ज़्यादा ज़ीरो हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल ना हो जाते हैं, और आपकी चेन साउंड नहीं आती, तो आपकी हैसल फ्री राइड एकदम कंस्टेंट चल सकती है। प्लस आपको ये बंद करके करना है, हर 200 किलोमीटर के बाद करना है, डजेंट मैटर आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचो या नहीं। इसे करना, इसे मतलब हल्के में मत लेना है गाइस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक राइडर के लिए। और आपको इसके बाद 10 मिनट तक कोई बाइक नहीं, मतलब बिल्कुल भी राइड नहीं करनी है, क्योंकि ये सारा उड़ जाएगा वरना। और आपने वीडियो पूरी देखी, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अनदर जर्नी के अंदर बहुत ज़्यादा एडवेंचर के साथ और इन्फॉर्मेशन के साथ। मेरी एक बड़ी राइड होने वाली है, सो स्टे ट्यून गाइस, चैनल पे बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आपको बहुत जल्द एक और व्लॉग मिलेगा। स्टे ट्यून, बाय फॉर नाउ।